वरिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी फेवरेट स्पेस, नतीजे अच्छे और वैल्यूएशन रीजनेबल, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर। उससे पहले अगर मैं यू नो लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में एक दो लाइन बोल सकूं, आई थिंक वन स्टॉक विच कुड फॉल यू नो विच कुड फॉल टुडे इज सन फार्मा। टारो के नंबर्स बहुत खराब आए थे सर। मार्जिन्स आई थिंक वाज द मेन पॉइंट यू नो जिसके कारण आई थिंक टारो का स्टॉक सम 8-8.5% नीचे तक कल शाम को। अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इस बार टारो के नंबर अच्छे आएंगे, सो कीप एन आई ऑन सन फार्मा टुडे सर। एक्चुअल के नंबर टोटली इन लाइन थे सर, 4% वॉल्यूम ग्रोथ कम्पेयर टू 4-4.5% जो एक्सपेक्टेड था। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स अगेन सर कोई तोड़ फोड़ नंबर्स नहीं है सर। वॉल्यूम नीचे था 1% एक्सपेक्टेड था कि 3-5% नीचे जाएगा, बट एज अ सेट की तोड़ फोड़ नंबर्स नहीं थे। दे आर डूइंग गुड, अ लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक बहुत टाइम से चला नहीं है और स्पेस चला नहीं है, सो दैट इज वाई यू नो इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन री रेटिंग, सो एक ये स्टॉक है। एक्सिस बैंक के सर यू नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि वीक नंबर्स है, सीएलएस का रिपोर्ट बहुत बहुत बुलिश है। अगर आप इंटरनल्स देखें तो इंटरनल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे एक्सिस बैंक के। अदरवाइज जैसे आपने बोला सर, गुड रिजल्ट्स फॉर नॉट सो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। आई थिंक लक्ष्मी मशीन वर्क्स के नंबर सर बहुत टाइम के बाद मैंने देखे कि अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे। अगेन सर नॉट ओनली वाई ऑन वाई बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज ये दोनों चीज चेक करना चाहता हूं मैं। बाकी एज सेड सबको पता है वाई ऑन वाई तो इंप्रूवमेंट होगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डेटा आपके सामने सर, सेल्स 50% बढ़ा है वाई ऑन वाई, 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, मार्जिन 8.5% हो गया सर इस कंपनी का कंपेयर टू 0.3% वाई एन वाई और 3.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर, सो यू कैन सी जंप आया है बोथ द पैरामीटर्स। द ओनली थिंग इज सर कि अगर आप इसको वैल्यूएशन पी पे देखें तो आपको कभी समझ नहीं आएगा ये कंपनी। एक टाइम पे इसका भाव सर 9000 रुपए होता था, तो जो आज की डेट में भी आधा है। द ओनली रीजन वॉज बिकॉज उस टाइम पे इसके मार्जिन सर एबिटा मार्जिन 15% होते थे, आरओसी 25% होती थी। This is what people are expecting that whether you know in that manufacturing uptick whether the company can go to those levels or not. Agar ek kar jati hai then there's a huge potential, but that is the only thing to watch out for. Green panels ke number sir I know ki market aaj mein aage the, but I'm focusing on the concall bahut zaruri thi. Usme unhone bola hai ki hamara EBITDA margin 200 basis point improve hoga quarter 4 mein. We have taken price hike as well, you know price hike unhone December mein liya hai, January mein bhi liya hai. स्टॉक महंगा नहीं है सर, ये एमडीएफ स्पेस में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले मेरे ख्याल में लास्ट 5-6 साल में नहीं हुआ, सो जस्ट कीप एन आई ऑन सम ऑफ दिस एमडीएफ कंपनीज इन द फॉल। मार्केट गिरेगा ऑफ कोर्स, बट कुछ कुछ ऐसी एमडीएफ प्लेयर्स हैं जहां पे उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है और उनके नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं और साथ ही आपके लिए वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। लेकिन आज एक और स्पेस जहां पर रिजल्ट्स अच्छे तो आए लेकिन शेयर ऑलरेडी भाग चुके हैं, इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? सर अगेन सर वेल्सपन इंडिया और पॉलीमेडिकल के नंबर्स आगे थे मार्केट आज में, दैट इज इंपॉर्टेंट टू पुट आउट, बट वेल्सपन इंडिया सर ऑलरेडी 20 स्टेप पे ट्रेड कर रहा है, सो आई नो इट्स अ होम इंप्रूवमेंट कंपनी, सो ऑलरेडी आई थिंक 20 रुपए का कुछ 70 रुपए हो चुका है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप एन आई ऑन। वाई एंड वाई नंबर्स अच्छे आए सर इसके, यू नो आपको बहुत बड़ा जंप देखेगा, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है सर। मार्जिन वही है 19.5% जो पहले क्वार्टर पे थे, सेल्स फ्लैट है, एबिटा फ्लैट है, सो यू नो नॉट वेरी एक्साइटिंग एज अ सेट कि टेक्सटाइल स्पेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉलीमेडिकल अ वेरी ग्रेट कंपनी सर, बट 40 टाइम पे ट्रेड करता है, 40 टाइम्स पे 200 का 500 हो गया सर स्टॉक ऑलरेडी। अगेन एज अ सेट के वाई एंड वाई नंबर अच्छे हैं बट दे आर फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यू नो उस चीज में देखिए। और कमजोर नतीजों की लिस्ट सर, ये क्वेस्ट कॉर्प का मालूम नहीं चल रहा सर, आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पुलिस आर वेरी अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी बुलिश ऑन क्वेस्ट कॉर्प, बट नंबर्स तो आ नहीं रहे हैं सर। एबिटा 16% नीचे था, प्रॉफिट 40% नीचे था, 70-75 टाइम्स पे ट्रेड करते हो क्वेस्ट कॉर्प। निपॉन एसेट मैनेजमेंट के ऑनेस्टली सर मुझे नंबर्स अच्छे नहीं लगे, इंपॉर्टेंटली उसके सेल्स 11% नीचे थी। अगेन दिस म्यूचुअल फंड स्पेस इज सीइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू नो इधर रिडेम्पशन हो रहा है और इधर लोग बोल रहे हैं कि हम अपना पैसा अपने आप ही लगा सकते हैं, सो दैट इज समथिंग विच दे आर स्ट्रगलिंग विद। पेपर स्टॉक्स के नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे सर। जेके पेपर का प्रॉफिट 50% नीचे था सर, 50%। और लास्ट कंपनी है महिंद्रा ईपीसी सर, ऑनेस्टली एवरी वन अभी आई एम श्योर आज मैं बोलूंगा कि नंबर अच्छे नहीं आया, पर दो दिन के बाद वो इरीगेशन बजट पे सब लोग बोलेंगे महिंद्रा ईपीसी। हमने 2-5 साल से देख लिया सर कि इस कंपनी में कुछ भी नहीं हो रहा जितना एक्सपेक्टेशन था और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है महिंद्रा ईपीसी में सर। सेल्स फ्लैट थी, एबिटा फ्लैट था, कुछ नहीं हुआ। सो ऑनेस्टली सर महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा ईपीसी, आई एम जस्ट सरप्राइज कि व्हाई महिंद्रा ग्रुप हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग विद सम ऑफ दीज कंपनीज व्हाट दे हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अभी होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है वरिंदर, मतलब नाम आगे महिंदर लिखा हुआ है ना, बस लोगों को उतना ही काफी है, वही देख कर ले रहे हैं। वैल्यूएशन का आता पता नहीं, तो रिजल्ट्स वैल्यूएशन भी देखना उतना ही जरूरी है जैसा वरिंदर बता रहे हैं। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस भी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पूरा एनालिसिस देने के लिए।